अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सैयद मेराज, जर्फ टूर्स प्राइवेट लिमिटेड। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि हाल ही में कुछ दिन पहले हमारे ऑफिस की ओपनिंग हुई है, जिसमें हमने आपके सब पास आने का ये मकसद था, आपसे रूबरू होने का, कि हमने कुछ नए पैकेजेस, कुछ नई चीज़ें स्टार्ट की है जो आप तक पहुँचाना ज़रूरी था। जो आपकी इंक्वायरीज हम तक आ रही है, जो कॉल्स आ रहे हैं, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने पैकेजेस और हमारी प्रीमियम क्लास सर्विस जो हम स्टार्ट करने वाले थे उसको हमने शुरू कर दिया है। और हम आपके सामने जो हमारे नए पैकेजेस है वो रखने के लिए आए हैं। जैसा कि रबीउल अव्वल का महीना है, तो 21 सितंबर को 15 दिन का पैकेज हमने रखा है 85,000 में। उसके बाद 2 अक्टूबर को 15 दिन का पैकेज है 83,000 में। उसके बाद 5 अक्टूबर को 21 दिन का पैकेज है 93,000 में। उसके बाद 5 नवंबर को 15 दिन का पैकेज है 87,000 में। उसके बाद 5 नवंबर को ही 20 दिन का पैकेज है 92,000 में। उसके बाद 13 नवंबर को 20 दिन का पैकेज है, वो भी 92,000 में। तो आप लोग जो भी उमरा जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें हम सहूलतें फराहम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आप हमसे राब्ता कीजिए। उसके अलावा हमने एक प्रीमियम क्लास सर्विस, जो कि अभी तक औरंगाबाद में किसी ने नहीं किया था, मुंबई से तकरीबन लोग इसकी बुकिंग करते हैं प्रीमियम क्लास की, तो हमने इसमें ये रखा है कि 7 दिन का पैकेज है ये, जिसमें आपको 3 दिन मक्का, 3 दिन मदीना हम लेकर जाएंगे इंशाअल्लाह। उसमें आपको मिलेगा ये कि उसमें आपको हरमव्यू होटल्स मिलेंगी, जो 5-स्टार होटल्स रहेंगी। उसके बाद आपको सऊदी एयरलाइंस में टिकट मिलेगा। उसके बाद आपको मील 5-स्टार होटल में ही इंक्लूडिंग मील रहेगा। वो प्राइवेट मिनी बस या प्राइवेट कार आपकी फैमिली के हिसाब से जो भी आपको सहूलत लगती है, हम वो आपको प्रोवाइड करेंगे पिकअप एंड ड्रॉप के लिए। और इसका स्क्वाड शेयरिंग रहेगा सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख। उसके बाद ट्रिपल शेयरिंग या डबल बेड, ये आपको सब चीज़ें प्रोवाइड करेंगी। ऐसे ही हमने इसमें 7 दिन, 11 दिन और 15 दिन, ये 3 डेज, 3 पैकेजेस ये डेज के हिसाब से सेट किए हैं। तो अगर प्रीमियम क्लास लोग अगर अच्छा बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो हम उनके लिए भी अच्छे से अच्छे पैकेजेस और डिज़ाइन करेंगे, और ये सब चीज़ें हम उनको प्रोवाइड करेंगे इंशाअल्लाह ताला। सर, अभी आपने कहा प्रीमियम का जो है, तो उसकी फ्लाइट कहाँ से रहेंगे? डायरेक्ट औरंगाबाद से कि मुंबई से? औरंगाबाद से देंगे, औरंगाबाद टू मुंबई भी देंगे। और अगर उनको कोई दिक्कत है फ्लाइट में जाने के लिए, तो उनको प्राइवेट लग्जरी कार से हम मुंबई लेकर जाएंगे। जैसा आपने होटल का जिक्र किया है, तो काफी लोग जो पहली बार जाते हैं, कोई उनको मालूम नहीं होती है, आप होटल का नाम तो ले लिया है जी, लेकिन वो मक्का से मदीने से कितने फासले पर है, ये भी तो जरूर हरम हदूद में रहेंगी। जैसा कि प्रीमियम क्लास लोग जानते हैं कि हरम हदूद में कुछ होटल्स हैं, जैसे क्लॉक टावर है जी, जैसा ली मेरिडियन है, जैसा हिल्टन है, अंजुम मक्का है, तो ये 5-स्टार होटल्स में हम उनको, जिसमें हरम व्यू रहेगा, जिसमें से आपको विंडो में से काबा शरीफ इंशाल्लाह या गुम्बद खिजरा मदीना में दिखेगा इंशाल्लाह, ऐसे होटल्स हम प्रोवाइड करेंगे। अब जाहिर सी बात है सर कि हम हिंदुस्तानी वहाँ जाते हैं, तो खाने वहाँ के मुहैया कराए जाते हैं कि यहाँ के मिजाज के मुताबिक होते हैं, मतलब खाने? जी देखिए, अभी तो वहाँ पर पाकिस्तानी और इंडियन फूड दोनों मिलता है, ऐसा हर कंट्री का फूड मिलता है। अच्छा। तो जैसा 5-स्टार होटल में जो बुफे रहता है, उसमें तकरीबन बहुत सारे कंट्रीज़ का बुफे लगा रहता है, जैसा इंडियन, पाकिस्तानी, जो भी आपको चाहिए वो सब बुफे आपको अवेलेबल मिलता है। जब इतनी आप आला सहूलत प्राप्त कर रहे हैं, तो मतलब डॉक्टर्स, मेडिकल्स, मान लो कि भाई कोई ज़ईफ़ रहते हैं, कोई मतलब अचानक बीमार पड़ जाते, तो उस ऐसी सूरत हाल में डॉक्टर के कैसे इंतजाम आते हैं आपकी तरफ से? जी, हम लोग उनको पूरी लग्जरियस सहूलत इंशाल्लाह ये पैकेज में, प्रीमियम पैकेज में प्रोवाइड करेंगे। जैसा उनको प्राइवेट कार, एक मौलिम उनके साथ रहेगा जो उनको गाइड करेगा, उनको प्राइवेट कार पिकअप और ड्रॉप के लिए जिद्दा में भी, मक्का मदीना ड्रॉप करने के लिए, पिकअप करने के लिए कार रहेंगी, और एक आदमी वहाँ पर उनके साथ मौजूद रहेगा। कुछ लोग मोटापा के शिकार होते हैं या ज़्यादा उम्र के होते हैं, चलने में तकलीफ होती है जी, तो ऐसे लोगों के लिए क्या सहूलत फराहम की? हम उनको व्हील चेयर प्रोवाइड करेंगे, जो व्हील चेयर से उनको पूरी ज्यारतें या जो भी उनके अरकान है इंशाल्लाह पूरी करने की कोशिश करेंगे। सर, एक औरंगाबाद के अंदर हम देख रहे हैं टूर ट्रैवल्स के अंदर, क्योंकि हमने काफ़ी न्यूज़ को कवर किया है,
एक अजीब और माहौल चल पड़ा है कि हम चार उम्र करेंगे, पांच करेंगे, तीन करेंगे, ये तो हमारे समझ के बाहर है, क्योंकि हम कभी जिंदगी में गए नहीं, वहां जाएंगे इंशाल्लाह हमें मालूम पड़ेगा। ये खुलासा कीजिए, चार उम्र पांच उम्र का क्या मामला है? उम्र कराना मेन मसला ये है कि उम्र करवाना तो कोई करा नहीं सकता है, उम्र तो जो जायरीन जाने वाले हैं उन्हों ही कर सकते हैं। जैसा कि आप को नॉर्मल सी एक बात है, आप मुंबई से जब एहराम पहन कर जाते हैं तो आपको रास्ते में मिखत लग जाती है प्लेन में, इसलिए आपको मुंबई से एहराम पहनाते हैं, क्योंकि आप अगर मक्का जाने वाले हैं, अगर मदीना जाने हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मक्का जाने के बाद जब आपने एहराम पहन लिया, आपने नियत कर ली, तो आपको वहाँ पर उतरने के बाद आपको उम्रा करना है। उम्रा करवाना ये एक चीज़ ऐसी मेरे को जो लगती है लॉजिकली, जैसा आप वहाँ पे ताइफ जाते हैं तो ताइफ एक मिखत लग जाती है आपको, ताइफ अगर गए आप, आपको वापस आना है तो आपको उम्रा करना है, मस्जिद जोहराना है, मस्जिद आयशा है, तो ये जो मिखत है ये लोग जैसा जो उम्रा करवाना बोलते हैं उसका मकसद ये है कि वो वहाँ लेकर जाके आपको वापस लेकर आएंगे सिर्फ। अच्छा, अच्छा। जिसके बाद आपको अरकान तो पूरे खुद ही करना है, जैसे जो ग्रुप लीडर और गाइड रहता है वो आपके साथ रहेगा। तो ये जो भी माहौल चल पड़ा है इस माहौल को भी आप फॉलो करते हैं वहाँ पर, जैसा आपने कहा कि ले जाते हैं जी, ले आके छोड़ते हैं, बिल्कुल, मतलब कि जिसको हमें आम फर्म जीवन में चार उम्र कहा जा रहा है आज के इंडिया में जी, चार पांच जी, ये तमाम दायरेकार आपके इसमें आएंगे। हम जहाँ जहाँ जियारत की जगह है हम वहाँ लेकर जाएंगे, और जब भी जैसा जो जाहिरीन है साथ में जाने वाले उनके ऊपर वो डिपेंड करता है कि वो कहाँ से उम्रा करे, जैसा वो उनके ऊपर करता है, कोई जाता है कोई तीन उम्रे करता है, कोई चार करता है, कोई पांच करता है, कोई रोज एक करता है, सात दिन अगर रहता है तो जिसकी जैसी कैपेसिटी रहती है वो करता है। सर एक सटके सवाल ये है कि जब इतना बड़ा पैकेज दे रहे हैं लाख डेढ़ लाख का, तो कभी कभी जहन में ऐसा आता है क्योंकि वो मदीना मक्का मदीना का मामला वाहियाना जज्बात रूहानियत से भरा होता है, कोई अगर चाहे कि मैं चलो और एक बार चले जाता हूँ, जैसा कि मैं घर में आप होटल्स पे आ गए, दिल ने लग रहा जी, दिल में ख्याल आया कि चलो चल जाते हैं मदीना बोलो या मक्का बोलो, तो क्या आपके पास इमरजेंसी में वो गाड़ी मतलब तैयार रहती है कि चलो हमको और दोबारा जाना है? बिल्कुल बिल्कुल, हम अगर उनको जाना है वो उसका एक अगर अर्जेंट जाना है या कुछ है जो भी उसका नॉमिनल एक्स्ट्रा चार्ज जो भी लगता है ट्रैवलिंग का, वो अगर उन्होंने पे कर दिया हम उनको वहाँ गाड़ी प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर ये बताइए कि आपने पैकेज का ऐलान किया है, तो अब इसके लोग आपके पास कैसे आए, पासपोर्ट किस तरह जमा कराएं, या कुछ पैकेज का भी मामला है, बड़ा पैकेज है तो कितने पैसे अड़वा जमा कराएं ताकि उन्हें भी इत्मीनान रहे आपको भी इत्मीनान रहे, तो उसका क्या तरतीब है? मतलब बिल्कुल मैंने इससे पहले भी ये बात बताया था कि जब भी आप आए, आप पासपोर्ट अगर लेकर आ रहे हैं, आपको बुकिंग करवाना है, तो आप मुझे सिर्फ मिनिमम 20% अमाउंट पासपोर्ट के साथ दे दीजिए, उसके बाद आपका कुछ ही दिन में आता है टिकट वीज़ा जी, वो अगर आपको हो गया, अगर आप वो चीज़ आ गई है तो आप मुझे 50% अमाउंट जमा करा दीजिए, या फिर आपको सहूलत है कि आप जाने से पहले पूरा दो चार दिन पाँच दिन छः दिन पहले देना चाह रहे तो आप जब दीजिए, जैसा ये तीन शक्लों में आप दे सकते हैं पैसे। एक बार और आपसे जो नए देखने वाले हैं, यहाँ पर ये नया वीडियो जा रहा है, नए लोग करते हैं ना, फिर उम्र के ताल्लुक से अपने रिश्तेदार को भेजते हैं कि भाई जिक्र होता है रिश्तेदारी में कि उम्र को जाने वाले हैं, तो लोग क्या करते हैं अप्लाई करके वीडियो भेज देते हैं, देखो भाई ये वीडियो आया है, तो ऐसे नए लोगों के लिए आपका आपकी जबान से मुकम्मल आपका ऑफिस का पता आपका फोन नंबर बता दीजिए जी। हमारा ऑफिस एड्रेस है बाबर कॉलोनी बिसाइड HP पेट्रोल पंप अपोजिट अलमोदी होटल कटकट गेट रोड औरंगाबाद। आपका फोन नंबर बोलिए। मेरा नंबर है 8329180551। जैसे ही मेरे साथी है इमरान आलम खान, इनका मोबाइल नंबर है 9096000081।